भारत सरकार ने नई दिल्ली में एक नए संसद भवन बनाने की परियोजना शुरू कर दी है। इस नई बिल्डिंग को बनाने के लिए अक्टूबर 2020 में भू निर्माण समारोह आयोजित किया गया और उसके बाद 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई। नया भवन पुराने संसद भवन से क्षेत्रफल और डिजाइन में पूरी तरह से अलग होगा। नया संसद भवन पुराने संसद भवन के नज़दीक ही बनाया जाएगा, जो मौजूदा संसद भवन से बिल्कुल अलग होगा। जहां पुराना भवन वृत्ताकार है, वहीं यह नया संसद भवन एक त्रिकोणीय आकृति में बनाया जाएगा। ऑब्जर्वेशन में आपका स्वागत है। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को आज ही प्रेस करें। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इससे जुड़े बेहद रोचक जानकारी प्राप्त हो सके। मौजूदा संसद भवन की इमारत एक ब्रिटिश काल की इमारत है, जो एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन की गई थी। इसे बनाने में 6 वर्ष तक का समय लगा था, जो 83 लाख की लागत में बनाई गई थी। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने में 971 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसका निर्माण 64,500 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में किया जाएगा। यह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत आएगा, जिसका कुल लागत 20,000 करोड़ रुपया होगा। उम्मीद की जाती है कि भारत के स्वतंत्रता को 75 वर्ष पूरे होने तक 2022 में यह नई संरचना भी बनकर तैयार हो जाएगी। यह कार्य टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा करवाया जा रहा है। नया संसद भवन का डिजाइन अहमदाबाद के एक आर्किटेक्ट HCP द्वारा डिजाइन किया गया है। यह नया भवन मौजूदा संसद भवन से 3 गुना बड़ा होगा। इसके राज्यसभा के आकार में भी वृद्धि की गई है। यह एक 4 मंजिला इमारत होगी, जिसमें 1,224 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग किया जाएगा। इसमें सोलर सिस्टम का भी प्रयोग किया जाएगा, जिससे ऊर्जा की बचत होगी। नए संसद भवन के स्वरूप में भारतीय संस्कृति और वास्तुकला को शामिल किया जाएगा। नई संसद भवन में क्या क्या नया होगा? इसमें आरामदायक बैठने की तथा आपातकालीन स्थिति में निकासी की भी व्यवस्था होगी। यह मजबूत और भूकंप के झटकों को झेलने वाली एक सुरक्षित इमारत होगी। नई संसद भवन में लोकसभा की 876 तथा राज्यसभा की 400 सीटें और इसके साथ साथ 1,124 सीट वाला एक सेंट्रल हॉल भी होगा, जो पुराने संसद भवन में नहीं है। संसद के संयुक्त बैठक के समय यहां अलग से चेयर लगाने की समस्या खत्म होगी। इन सभी के अलावा यहां प्रधानमंत्री तथा उपराष्ट्रपति के लिए भी नए निवास स्थान का निर्माण किया जाएगा, जो वर्तमान में राष्ट्रपति भवन से काफी दूर है। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर तक लंबी राजपथ को भी एक नया रूप दिया जाएगा। इस नई इमारत में पुस्तकालय, भोजन कक्ष तथा पार्किंग के लिए भी सुविधा की जाएगी। नए संसद भवन में पेपरलेस वर्क किया जाएगा। पुराना संसद भवन, जो 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनवाया गया था, पुराना संसद भवन भारत के स्वतंत्रता मिलने के बाद से संसद के प्रयोग में लाया गया, जिसे 100 वर्ष होने ही वाला है। कुछ लोगों का कहना है कि पुराना संसद भवन 100 वर्ष पुराना होने के कारण सरकार ने नए संसद भवन का निर्माण के बारे में सोचा, लेकिन असल में यह कारण नहीं है, क्योंकि विदेश की कुछ ऐसे भी संसद भवन हैं जो काफी पुराने हैं। कुछ भवन 400 से 500 वर्ष पुराने हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भी प्रयोग में है, जैसे कि USA का कैपिटल, जो वर्ष 1800 में बनवाया गया था, लेकिन वर्तमान में भी प्रयोग किया जा रहा है। लग्जमबर्ग पैलेस, जो कि फ्रांस का पार्लियामेंट है, यह भी काफी पुरानी इमारत है। इसे 1615 से 1645 के बीच बनवाया गया था। इसके अलावा और भी कुछ उदाहरण है, जैसे कि ब्रिटेन का पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर, जो 1840 की एक इमारत है। नए संसद भवन के बनवाने का मुख्य कारण संसद की सीटों में बढ़ोतरी है, क्योंकि हमारे देश के आबादी के बढ़ने के कारण संसद की सीटों में भी बदलाव आ रहा है, जिसके कारण संसद की सीटों तथा संसद भवन में भी कुछ बदलाव करना आवश्यक है।